शरिया कानून से जुड़ी कैसी याचिका। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच याचिका देख चकित। सीजीआई का मुस्लिम महिला की अर्जी पर क्या फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में कई ऐसे कठिन केसेज आ जाते हैं जिस पर फैसला लेना उतना आसान नहीं रहता, लेकिन सोमवार को एक ऐसी याचिका सीजीआई की बेंच में आई जिसने न केवल सीजीआई को बल्कि पूरे बेंच को चकित कर दिया। हालांकि जब मामले की गहराई में जाया गया तब केस की गंभीरता समझ आई, जिसके बाद सीजीआई की बेंच ने न केवल इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हुआ बल्कि एमिकस क्यूरी बहाल करने के निर्देश भी दे दिए। मुस्लिम महिला और शरिया कानून से जुड़ा क्या है ये मामला, चलिए तफसील से जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच में एक मुस्लिम महिला ने याचिका डाली है जिसमें ये मांग की गई है कि वो अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा शरिया कानून के हिसाब से नहीं करना चाहती, बल्कि वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा चाहती है। याचिका में इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच पहले तो चकित रह गई क्योंकि याचिकाकर्ता एक मुस्लिम महिला है, जाहिर है उनके पिता की संपत्ति का बंटवारा शरीयत कानून के हिसाब से ही होनी चाहिए। महिला ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि वो भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मी है लेकिन वो इस्लाम धर्म में आस्था नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने याचिका पर गहनता से विचार किया। उसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में एमिकस क्यूरी बहाल करने के निर्देश भी दिए ताकि इस केस में एमिकस क्यूरी कोर्ट को कानूनी और तकनीकी पहलुओं को जानकारी दे सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी भी हो गई है और इस केस की अगली सुनवाई की तारीख जुलाई महीने के 2 हफ्ते को दी है। बता दें कि याचिकाकर्ता महिला केरल की रहने वाली है जिनका नाम सफिया है। दरअसल सफिया केरल में उस पूर्व मुस्लिमों के वर्ग से आती हैं जो जन्मे तो मुस्लिम परिवार में से हैं लेकिन अब वो इस्लाम धर्म में आस्था नहीं रखते। सफिया इसी वर्ग से आने वाली एक संघ की महासचिव भी हैं। सफिया की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खुद सफिया ने अपनी तरफ से कई दलीलें दी, साथ ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनसे कई सवाल किए और अपनी टिप्पणियां भी की। सीजीआई ने शरिया कानून की धारा 3 की चर्चा करते हुए सफिया को निर्देश दिए कि इसके मुताबिक वो औपचारिक रूप से घोषणा करे कि वो अब इस्लामी कानून का पालन नहीं करना चाहती। साथ ही केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ 1925 के उत्तराधिकार कानून, देश के धर्मनिरपेक्ष कानूनों, संविधान के आर्टिकल 25 वगैरह पर भी चर्चा हुई। हालांकि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट सफिया की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है तब ये देखना बेहद अहम होगा कि इस मामले की अगली सुनवाई जिसकी तारीख जुलाई में दी गई है क्या कुछ होता है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।